नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक्स कार्ट एप्लीकेशन को रेफर करके रुपए कमाने का तरीका बताऊंगा। जैसे हम अपना दोस्तों इसमें अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे हम इसको अपने दोस्तों के साथ में रेफर करेंगे तो पर रेफर हमारे को 500 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे हम ज़्यादा रेफर करके ज़्यादा रुपये भी कमा सकते हैं। और ये स्टॉक्स कार्ट एप्लीकेशन 100% जेन्युइन है, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाइड भी है। तो हमारे को दोस्तों कैसे अपना डीमैट अकाउंट इसमें ओपन करना है, कैसे रेफर करके अर्निंग करना है, पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे अर्निंग के रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टॉक्स कार्ट का ये लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में देगी आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। सीधा ब्राउजर ओपन हो जाएगा हमारे मोबाइल में, हमारे को अपना ईमेल आईडी इधर डाल देना है, मोबाइल नंबर भी डाल देना है और ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर, वो हमारे को इधर डालकर ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर जैसा पैन कार्ड पर नाम है वैसा हमारे को इधर दिखाई देगा, हमारे को कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक कर देना है, और ये प्रमोशनल स्कीम है इसको सेलेक्ट कर देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में एक बार और नेक्स्ट पर हमारे को ऐसे क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को अपना बैंक का डिटेल डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर और आईपीसी कोड, और फिर हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ब्रांच नेम बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे को वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक कर देना है एक बार, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को अब जो है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वेरीफाई कर लेना है, इसके लिए हमारे को नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर में दोस्तों ये डिजीलॉकर गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन गया होगा, इसलिए हमारे को सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें राइट का टिक लगा देना है और ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर देना है। फिर ये डिजीलॉकर गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इधर हमारे को अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी मिलेगा आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर, वो हमारे को ओटीपी इधर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर ऐसा पे जाएगा, इधर ये परमिशन मांगता है तो हमारे को नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। और इधर हमारे को अपना हम क्या काम करते हैं उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है सबसे ऊपर, और उसमें एजुकेशन में हम क्या हमारा कितना पढ़ाई है वो सेलेक्ट कर देना है, और एनुअल इनकम भी हमारे को अपना इधर सेलेक्ट कर देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं वो सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को अपना मदर्स नेम डाल देना है, और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है, मैरिड या अनमैरिड, और फादर का नाम डाल देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को जो है ईमेल आईडी पर एक ओटीपी मिलेगा, वो इधर ओटीपी डाल देना है, और उसके बाद में इधर हमारे को एक बार वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर मैं ये पूछ रहा है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहेंगे या नहीं इस अकाउंट में, तो अगर आप चाहते हैं तो इधर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको नो पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को जो अपना एक फोटो खींचकर अपलोड कर देना है, जैसे कि ये फोटो है और ये नंबर है, नंबर एक व्हाइट कागज़ पर लिख देना है, और उस नंबर का भी साथ में व्हाइट कागज़ का भी साथ में फोटो होना चाहिए जैसे कि है, ऐसा ही आपको फोटो अपलोड कर देना है इधर, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को जो है व्हाइट पेपर पर साइन कर लेना है जैसे कि पैन कार्ड पर है, और उस साइन का फोटो खींच कर इधर अपलोड कर देना है। और बैंक प्रूफ में आपको अपना बैंक का पासबुक का फोटो इधर अपलोड कर देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को जो है ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन के आगे राइट का टिक लगा देना है, तो आपके सामने भी ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इधर में आपको ट्रेडिंग ई साइन भी करना है और डिपॉजिटरी ई साइन ये भी कर लेना है, दोनों आपको ई साइन करना है। सबसे पहले आप क्लिक टू ई साइन इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ऐसा पेज आएगा, दोनों ऑप्शन के आगे राइट का टिक लगाया हुआ मिलेगा, आपको प्रोसेस टू ई साइन पर क्लिक कर देना है। और इधर में फॉर्म देखने को मिलेगा, इसके नीचे साइन नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इधर हमारे को NSDL गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन हुआ मिलेगा, तो इधर हमारे को अपना आधार कार्ड नंबर डालकर जो बॉक्स है उसमें राइट का टिक लगा देना है, और सेंड OTP पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा, वो हमारे को OTP इधर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में साइन सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको ये डिपॉजिटरी ई साइन है तो ये भी आपको ऐसे ही क्लिक टू ई साइन पर क्लिक करके कंप्लीट कर देना है, और उसके बाद में सबमिशन डन सक्सेसफुली ऐसा लिखा हुआ जाएगा, मतलब कि अब हमारा ये अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है और ये अकाउंट हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे को ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। फिर आपको प्ले स्टोर से ऐसे स्टॉक्स कार्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है, और ओपन करके आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है, लॉगिन हो जाएगा और ऐसे एप्लीकेशन का होम पेज हमारे को ऐसा देखने को मिलेगा। रेफर करके अर्निंग करने के लिए हमारे को दोस्तों सबसे पहले एक ट्रेड करना जरूरी है, वो भी 1000 रुपये का। आपको 1000 रुपये का एक ट्रेड
कर लेना है, वो रुपये आपको ट्रेडिंग करने के बाद वापस बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों रेफर करने के लिए इस एप्लीकेशन में तो कोई सिस्टम नहीं है, आपको ब्राउजर ओपन कर लेना अपने मोबाइल का, और उसके बाद में दोस्तों ब्राउजर में सर्च कर लेना है स्टॉक्स कार्ड रेफर एंड अर्न। जैसे कि मैं आपको लाइव सर्च करके दिखा देता हूँ, ये मैंने सर्च कर दिया स्टॉक्स कार्ड रेफर एंड अर्न, और ये वेबसाइट है एक्टिव क्लाइंट्स रेफर पर मंथ स्टॉक्स कार्ड। इस ऑप्शन पर हमारे को क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इधर में हमारे को रेफर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर दोस्तों लिखा हुआ है कि पर रेफर हमारे को 500 रुपये मिल जाएंगे। इस पेज को हमारे को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और इधर में हमारे को अपना दोस्तों योर क्लाइंट आईडी में अपना क्लाइंट आईडी डाल देना है, जो कि यूजर आईडी होता है। और उसके बाद हम सीधा जैसे व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा लिंक है जो रेफर लिंक व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारी रेफर लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाएगा वो हमारे रेफर में जुड़ेगा, और जैसे ही वो बंदा है जो 1000 रुपये का स्टॉक्स कार्ड में ट्रेडिंग कर लेता है तो हमारे को दोस्तों 500 रुपये मिल जाएंगे। और वो रेफर का रुपये हमारे को स्टॉक्स कार्ड एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। हमारे ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है, और ट्रेड पर हम क्लिक करेंगे, इधर में हम फंड्स व्यू पर क्लिक करेंगे तो इधर में हमारे को रुपये देखने को मिल जाएगा। इधर से हम फंड ट्रांसफर क्लिक करके इजीली बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे को गारंटी के साथ में रुपये मिल जाएगा। ऐसे आप दोस्तों इधर से ज़्यादा रेफर करके ज़्यादा रुपये भी कमा सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस स्टॉक्स कार्ड एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके द्वारा आप रेफर करके बहुत ही ज़्यादा रुपये कमाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया मौका है, और मैंने एक एप्लीकेशन से दोस्तों 32,000 रुपये कमाया, और इसके द्वारा आप भी डेली का 2 से 3,000 रुपये गारंटी के साथ में पेटीएम में या फिर बैंक में कमा सकते हैं। तो उस वीडियो का भी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, और 32,000 रुपये का पेमेंट प्रूफ भी उसी में है। तो मिलेंगे वापस अगले नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।